hello everyone welcome to the layman way where we are completing fundamentals of physical geography and this lecture is a part of my two months geography course program to help you one step closer to your goal and guys this program is all free so don't forget to smash that like button subscribe and also turn on the notifications all right if you want to view our full course you can always click on the i button in the top right corner and view our full playlist and guys if you are following this program do not forget to leave a comment down below About your progress in the course, guys, so that we can motivate one another and let's get started. तो चलिए आज आइलैंड्स एंड कोरल रीज से स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम आइलैंड्स देखेंगे कि आइलैंड्स क्या होते हैं है ना तो आईलैंड से आपको क्या दिमाग में आता है जब आईलैंड की मैं बात करता हूँ तो आईलैंड क्या होता है एक यू you नो know, एक पीस ऑफ लैंड होता है, है न जो आ, पानी से सराउंड होता है ना उसी को तो आईलैंड बोलते हैं यही है बेसिकली क्या है आई अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड फ्रॉम वाटर फ्रॉम ऑल साइड्स तो ये जो लैंड का पार्ट है है ना जो पानी से सराउंडेड है ये कैसे हो सकता है या तो ये ओशन के बेड से एमर्ज हो रहा हो ऐसे भी तो हो सकता है ना कि ओशन के फ्लोर पे हमने पढ़ा था ना कि सी माउंट्स होते हैं छोटे छोटे ठीक है अब मान लो ये जो जो सी माउंट्स बनते हैं या ये जो वॉलकैनोज होते हैं है ना ये इतना ऊपर उठ जाएँ है ना कि सी जो पानी का लेवल है उसके थोड़ा सा ऊपर आ जाए ठीक है तो ये जो बन जाएगा ये जो स्ट्रक्चर बन जाएगा है ना ये क्या हो जाएगा ये अपना आइलैंड हो जाएगा क्योंकि ये तो सारा पानी से सराउंडेड है बट ये इसका जो नीचे वाला पार्ट है ये ओशियन फ्लोर तक एक, एक्सटेंड कर रहा है ना तो ये होता है आइलैंड बेसिकली तो अब टाइप ऑफ आइलैंड देखते हैं कि टाइप ऑफ आइलैंड कौन कौन से हैं तो एक तो कॉन्टीनेंटल आइलैंड्स हो गए तो कॉन्टीनेंटल आइलैंड्स कौन से हुए कॉन्टीनेंटल आइलैंड्स वो आइलैंड हुए कि जो मेन लैंड का पार्ट है ठीक है तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आप यू नो गोवा के बीच पे गए ठीक है तो अब गोवा का बीच यहाँ तक है मान लो ये ये रहा गोवा का बीच ठीक है अब इसके नीचे से ही यू you नो know, एक पार्ट ऑफ लैंड निकल रहा है जो जो ऐसे एक माउंटेन को सपोर्ट कर रहा है ठीक ठीक है बट सी लेवल इतना राइज हो गया है कि पानी यहाँ तक है है ना और ये जो है ये ऐसा सराउंडेड है ठीक है ऑल दो आपको ये दिख नहीं रहा है है ना ये आपको दिख नहीं रहा है तो इसको थोड़ा अच्छे से बना देते हैं ड्रॉइंग तो इतनी मेरी बेकार है ऐसे बना देते हैं इसको ठीक है ये ऐसे कुछ है और मान लो ये प्रोजेक्शन है इधर ऊपर ठीक है तो अभी ये अपना कॉन्टिनेंटल शेल्फ है ठीक है यहाँ पे सी है पूरा ठीक है इस टाइप से तो क्या है कि ये जो पार्ट है जो अपलैंड अप पार्ट है जो तो ये निकल रहा है ऊपर से ये मेन लैंड से एक्चुअली जुड़ा हुआ है ये मेन कॉन्टिनेंट से जोड़ा हुआ है इट इज़ अटैच्ड ठीक है ये इसलिए बना होगा क्योंकि सी लेवल राइज कर गया होगा या फिर जो लैंड का लैंड है वो सबसाइड कर गया होगा नीचे आ गया होगा तो पानी यहाँ पे कलेक्ट हो गया है ना तो इस ऐसे आइलैंड्स को क्या बोलते हैं ऐसे आइलैंड्स को बोलते हैं हम कॉन्टिनेंटल एंड जो जुड़े हुए हैं यहाँ से ठीक है और ये इसको क्या बोलेंगे जो पानी बीच में आ गया इसको ये इसको बोल देते हैं हम लोग लगूंस ठीक है ये है लगूंस तो ये जो बीच वाला पार्ट है ना मतलब बेसिकली ये ये जो छोटा सा वाटर बॉडी है और ये बड़ा सा ओशन है ये दोनों सेपरेटेड हैं बाय दिस आइलैंड ठीक है तो ये वाले पार्ट को हम बोलते हैं लगून ठीक है तो कॉन्टिनेंटल आइलैंड्स क्या है दे वर इनिशियली पार्ट ऑफ मेन लैंड एंड नाउ डिटेच फ्रॉम द कॉन्टिनेंट एंड मे बी सेपरेटेड बाय अ शैलो लगून सेपरेशन मे बी ड्यू टू सबसाइडेंस ऑफ लैंड और राइज इन द सी लेवल ठीक है तो ये बेसिकली वैसे वैसे आईलैंड हैं जो मेन लैंड का पार्ट हुआ करते थे है ना बट अभी क्या है सी लेवल के राइज होने की वजह से या फिर लैंड के सिंक होने की वजह से यहाँ पे पानी आ गया है ठीक है बट ऐसा भी हो सकता है कि ये से डिटैच हो जाए कैसे जैसे यू नो साउथ अफ्रीका का मेडागास्कर है ठीक है अफ्रीका में अफ्रीका के कॉन्टिनेंट से मेडागास्कर सेपरेट हुआ था हमने देखा था कॉन्टिनेंटल ट्रिफ्ट थोरी में पर पहले पार्ट तो इसी का था ना पहले पार्ट तो अफ्रीका का ही था ये है ना अब वहाँ से सेपरेट हो गया बट ये तो इस आइलैंड जो मेडागास्कर का आइलैंड है ये पानी से सराउंडेड है हर जगह पे ठीक है तो ये वाले जो आइलैंड को हम बोलेंगे दिस इज़ अ कॉन्टिनेंटल आइलैंड ठीक है तो अब ये कॉन्टिनेंटल आइलैंड भी तीन टाइप में डिवाइडेड हैं कैसे एक होगा इंडिविजुअल आइलैंड इंडिविजुअल आइलैंड वो होते हैं जो जस्ट आउटसाइड द कॉन्टिनेंट होते हैं जैसे ये मेडागैसकर वाला जो ये सेपरेट हो गया है अब देखो ये है ना ये मेडागैसकर है अपना ठीक है और ये है मोजाम्बिक चैनल है ना ये मेडेगास्कर और यहाँ मोजाम्बिक एक मोजाम्बिक चैनल से सेपरेटेड है, है ना और हमने ये पढ़ा था कि यार ये जो मेडागैसकर है दिस वॉज अ पार्ट ऑफ दिस अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है ना ये बाद में ड्रिफ्ट हो गया और ये सेपरेट हो गया बट ये पार्ट था इनिशियली इसका तो ये हो गया एक इंडिविजुअल आइलैंड ठीक है तो इसके जो फीचर्स आपको मिलेंगे दे आर सिमिलर टू दिस कॉन्टिनेंट हमने देखा था ना कि ये पूरा इंडिया ऑस्ट्रेलिया ये सब एक ही था तो हमने इसका प्रूफ भी ऐसे ही किया था कि भाई इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है यहाँ पे जो मटेरियल्स मिलते हैं है ना तो ये हो गया इंडिविजुअल आइलैंड उसके बाद आता है कि आर के पलाजो क्या होता है आर के कुछ नहीं होता आर्के का मतलब ये होता है कि आईलैंड के ग्रुप्स मतलब खूब सारे आइलैंड जो हैं वो इकट्ठा अगर हो जाएँ किसी पार्ट में तो उसको हम बोलते हैं आर्के जैसे अपना अंडमान एंड निकोबार है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स कैसे हैं अब आप अंडमान एंड निकोबार को आप मैप पे देखोगे तो आपको देखिएगा खूब सारे आइलैंड्स हैं यहाँ पे कोई एक आइलैंड नहीं है है ना खूब सारे आइलैंड हैं उनका नाम भी दिया हुआ है कुछ कुछ में तो है ना तो वो जो है वो फिर यहाँ पे थोड़ा सेपरेशन होता है फिर निकोबार के आइलैंड्स आ जाते हैं तो ये जो पूरा इसको बोलते हैं अंडमान निकोबार को इसको बोलते हैं रिची आर्क प्लाजो है ना तो आर्के प्लाजो होता यही है कि इट इज़ इट इज़ वॉट आइलैंड का ग्रुप ग्रुप ऑफ आइलैंड ठीक है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स ऑफ वेरिंग साइजेस एंड शेप्स ठीक है जैसे रिची आर्क प्लाजो रिची आर्क प्लाजो मैंने आपको बता दिया जो अंडमान एंड निकोबार के जो यू नो आइलैंड्स हैं उनको हम बोलते हैं रिची आर्को प्लाजो तो खूब सारे हैं मतलब वहाँ पे ना आईलैंड ग्रुप है पूरा एक फिर एक आता है फेस्टून्स और आइलैंड आर्ट्स तो फेस्टून्स और आइलैंड लैंड आर्ट्स क्या होते हैं देखो हम जब वो पढ़ रहे थे सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी तो हमने ये देखा था कि जब यहाँ से यू नो जब ओशन फ्लोर डाइवर्ज होता है और ओशन फ्लोर यू नो बनता है नीचे है ना वो मिड ओशन एक रीज हमने पढ़ा था ना कि यहाँ से वॉलैन इधर जाती है प्लेट और ये इधर जाती है फिर यहाँ से लावा आता है फिर वो वॉलकैनो बनाता है, है ना अब मान लो वही जो बन रहे हैं वही जो अपलिफ्टेड स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं वही जो रिज बन रहा है वो इतना ऊपर आ जाए ये वॉलैनोज जो नीचे बन रहे हैं वो इतने ऊपर आ जाए कि इसी जो पानी है उसके थोड़ा ऊपर प्रोजेक्ट हो जाए ठीक है तो हमने ये देखा था कि जब जब हम ये देख रहे थे कि ये मिड जो आ, मिड रिज होती है मिड ओशन एक रिज होती है उसके आसपास आपके यू नो बहुत क्वांटिटी में जो होते हैं वो होते हैं वॉलैनोज़ होते हैं है ना माउंटेन टाइप स्ट्रक्चर होते हैं सी माउंट्स होते हैं ठीक है तो अब ये पूरा जो मान लो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है पूरा लाइन होती है ना माउंटेंस की ये सारी जो है ये सरफेस पे आ जाए पानी के प्रोजेक्ट हो जाए ऊपर पानी के कुल मिला के तो जैसे मान लो कि ये ओशियन फ्लोर है यहाँ से ये निकल रहा था आ, अपना सी माउंट या फिर छोटा माउंटेन मान लो उसको छोटा माउंटेन निकल रहा था है ना और ये पूरा पानी के ऊपर आने लगे तो ये जो आर्क बनती है ना ये एक्चुअली ऐसे स्ट्रक्चर बनता है ये ऐसे यहाँ 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 होता है तो इसको हम बोल देते हैं आइलैंड आर्च या फिर फेस्टून्स तो फेस्टून्स क्या होता है द आइलैंड फॉर्म एन आर्क प्लाजो मतलब ग्रुप हो जाएगा आईलैंड का क्योंकि इतने सारे आईलैंड हैं इन अ शेप ऑफ अ लूप एक लूप के शेप में बन जाता है अराउंड द एज ऑफ अ मेन लैंड मार्किंग द कंटिन्यूएशन ऑफ माउंटेन रेंजेस विच कैन बी ट्रेस्ड ऑन द द कॉन्टिनेंट जैसे देखो पैसिफिक वाला पैसिफिक ओशन मानो जो हमने वो पढ़ा था ना रिंग ऑफ फायर तो रिंग ऑफ फायर क्या है बेसिकली रिंग ऑफ फायर ऐसी है है ना रिंग ऑफ फायर ऐसी है रिंग ऑफ फायर है क्या रिंग ऑफ फायर में वॉलैनोज ही तो हैं सारे वॉलैनोज़ हैं पूरे वो रिंग ऑफ फायर में है ना और वो ऐसे एक आर्क शेप में है इसीलिए हम उसको रिंग बोलते हैं तो उसको बेसिकली हम आइलैंड आर्क भी बोल सकते हैं क्योंकि अगर ये वॉलकैनोज जो हैं वालकैनोज ऊपर प्रोजेक्ट हो रहे हैं है ना ये सारे जितने भी वॉलैनोज आर्क के अराउंड हैं ये सारे क्या हो रहे हैं सी लेवल के ऊपर प्रोजेक्ट हो रहे हैं तो ये बेसिकली एक आइलैंड ही तो है एक वालकैनिक आइलैंड है ये है ना कुछ और थोड़ी है वॉलकैनिक आइलैंड है तो ये जो पूरा है ना स्ट्रक्चर इसको हम बोलते हैं आइलैंड आर्क दीज आर कॉल्ड आइलैंड आर्क आइलैंड्स इन अ आर्क समझ में आ रहा है इसको बोलते हैं आइलैंड आर्क फिर दूसरे टाइप ऑफ आते हैं स्ट्रक्चर जो होते हैं ओशियनिक आइलैंड्स तो अभी हमने तो इंडिविजुअल आइलैंड्स में क्या देखा था कि ये जो कॉन्टिनेंटल आइलैंड्स हैं जिसको कॉन्टीनेंटल आइलैंड हम लोग पार्ट पड़े इंडिविजुअल आर्क प्लाजो फेस्टूनस है ना तो ये जो सारे पार्ट हैं ये कॉन्टिनेंट का पार्ट है है ना ये जैसे मैं बोला था कि ये कॉन्टिनेंट है हमारा और ये जितने भी आइलैंड्स हैं ये या तो इसके पार्ट हुआ करते थे पहले या फिर अभी भी मेन लैंड से ये जुड़े हुए हैं है ना बट सी लेवल राइज कर गया है या फिर जो लैंड है वो इतना धस गया है कि पानी जो है वो ऊपर आ गया है अब और इस डिप्रेशन को उसने फिल कर दिया है है ना तो ये इसने एक आइलैंड बना दिया यहाँ पे है ना इस टाइप से था इस वाले आइलैंड को हम क्या बोल रहे थे इस वाले आइलैंड को ये यही तो है कॉन्टीनेंटल आइलैंड ठीक है अब अगर यही चीज़ मान लो कि जैसे मोजाम्बिक वाले मेडागास्कर में हम बात कर रहे थे कि ये जो आ, कौन, ये जो पार्ट है वो पूरा डिटैच हो गया है यहाँ से है ना ड्यू टू कॉन्टीनेंटल ड्रिफ्ट और अब यहाँ पर पानी आ गया करेक्ट तो वहाँ पर हमने उसको क्या बोल दिया था हमने वहाँ पर बोल दिया था कि भाई ये इंडिविजुअल आइलैंड है है ना और आ, आरके प्लाजो में हमने बोला था ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं उसको हम आर के प्लाजो बोल रहे थे और फेस्टून्स में हमने क्या बोला था फेस्टून्स भी एक ग्रुप ऑफ़ आइलैंड ही है बस वो क्या है कि यू uh, नो you know, एक आर्क में है तो इसीलिए हम उसको आइलैंड आर्क बोल देते हैं ठीक है तो ये हो गया अब दूसरा है क्या दूसरा क्या है ओशनिक आइलैंड्स अब ओशनिक आइलैंड्स क्या होते हैं कि इसमें क्या होता है कि ये जो मेन लैंड है इससे कोई कनेक्शन नहीं होता है तो फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये मानो कि जैसे ये वाला आइलैंड है ठीक है ये तो अभी मेन लैंड से जुड़ा हुआ है, है ना तो इसके जो करेक्टरिस्टिक फ़ीचर आपको मिलेंगे वो इस इसी मेन लैंड के टाइप के मिलेंगे मतलब मान लो यहाँ पे कोई मटेरियल मिल रहा है है ना उसका कुछ प्रॉपर्टी है तो यहाँ पे भी जो मटेरियल मिलेगा उसका भी वैसा ही सिमिलर प्रॉपर्टी होगा ठीक है बट ओशनिक आइलैंड जो होते हैं उनका मेन लैंड से कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता है तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो है आपका कॉन्टीनेंट है ये ओशियन में जा रहा है इधर ओशियन है ठीक है इधर ओशियन है तो अब ओशनिक आइलैंड जो है वो इसका पार्ट नहीं है अब नीचे से कोई ऐसे माउंटेन ऊपर आ रहा होगा ओशन फ्लोर से ठीक है और वो यहाँ पे सर सी सरफेस के ऊपर प्रोजेक्ट हो रहा होगा तो जो आइलैंड बनेगा उसको हम बोलेंगे ओशनिक आइलैंड अब देखो ये वाला और ये वाला पार्ट आपस में कुछ इंटर कनेक्शन नहीं है इसका यहाँ की प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगी और यहाँ की प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगी है ना तो ये वाला जो आइलैंड बन गया इसको हम बोलेंगे क्या ओशनिक आइलैंड इनका कोई कनेक्शन नहीं होता है मेन लैंड से तो जो यहाँ पर फ्लोरा और फोना होते हैं वो इस जो यहाँ पर मिलते हैं उसके मतलब उससे कोई सिमिलैरिटी शो नहीं करते हैं इसका एग्जाम्पल है गेलेपिगॉज आइलैंड गैला आइलैंड कहाँ पर है देखो ये आप गेला पिकॉज आइलैंड मैं बता दूँ कहाँ पर है आपको ये साउथ अमेरिका का मैप है ठीक है यहाँ पर इस टाइप से मानो एक तो जगह भी नहीं है इस टाइप से मानो कि मान लो ये है ये साउथ अमेरिका का मैप है ठीक है इधर ऐसे ऐसे ही है साउथ अमेरिका आपका यहाँ पे कोलंबिया है ठीक है इधर इधर साइड कोलंबिया है फिर यहाँ पे आओगे तो ये इक्वाडोर मिलेगा ठीक है फिर ये वाला जो रीजन है ये पूरा आ, ये और फिर यहाँ पर थोड़ा नीचे आओगे तो पेरू मिलेगा पेरू पेरू यहाँ तक रहता है और फिर पेरू के बाद पूरा जो ये वाला पार्ट है वो आपका चिली रहता है जहाँ पे आपका एंडीज़ यू नो एंडीज, एंडीज माउंटेंस है ठीक है तो ये इक्वाडोर से आप थोड़ा सा इधर जाओगे ना पैसिफिक ओशन में ये हमारा पैसिफिक ओशन है ना तो यहाँ पे है गैलापागोस आइलैंड और, और बहुत ही रिच बायोडाइवर्सिटी रहती है इसकी क्योंकि रिच इसलिए रहती है अभी हम आगे जब ओशन करेंट्स पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि जब वॉम वॉम और कोल्ड करेंट्स मीट करते हैं ना तो जो मीट करने वाला पॉइंट होता है वहाँ पे जो यू नो टेम्परेचर होता है वो एकदम लाइफ uh, को सस्टेन करने के लिए अच्छा रहता है और काफ़ी न्यूट्रिएंट्स लेके आते हैं ये दोनों वाटर्स तो यहाँ पे क्या होता है न्यूट्रिएंट्स का अबंडेंस होता है तो इसीलिए यहाँ पे यू नो डाइवर्सिटी बहुत ही रिच होती है तो एक बार आज होमवर्क आपका ये है कि आज एक बार जाके आप साउथ अमेरिका का मैप पढ़ोगे देखोगे कि कोलंबिया कहाँ है इक्वाडोर कहाँ पर इक्वाडोर कहाँ पर है ठीक है पेरू कहाँ पर है फिर यहाँ पे आपका बोलिविया आएगा फिर याद है हमने एक लेक पढ़ा था कौन सा लेक था वो आप बताओगे हाइएस्ट लेक इन द वर्ल्ड था वो लेक टिटिका का वो था बोलि और पेरू के जंक्शन पर फिर यहाँ पर आपका अर्जेंटीना आ जाएगा यहाँ पर पराकुए आ जाएगा ठीक है ये आपका पूरा ब्राज़ील है है ना यहाँ पे आपका वेनेजुएला आएगा तो इस टाइप से मैप पढ़ोगे आप पूरा साउथ अमेरिका का इम्पोर्टेंट है है ना तो तो क्या होगा कि ओशनिक आइलैंड समझ में आ गया क्या होते हैं ठीक है कि कोई कनेक्शन नहीं होता है अब इसमें भी दो टाइप के आते हैं एक तो वॉलकैनिक आइलैंड और एक कोरल आइलैंड अब देखते हैं कि क्या डिफरेंस है दोनों में अब वॉलकैनिक आइलैंड क्या होता है कि भाई अब ओशन के जो फ्लोर है ओशन का जो फ्लोर है वहाँ सी फ्लोर स्प्रेडिंग हुई होगी लावा आया होगा है ना और फिर उसने मतलब लावा आया होगा और ऐसे करते करते यहाँ पे जो एक स्ट्रक्चर इसने बना दिया होगा कुल मिला के बाद ये है कि जब सी फोर्स थ्रेडिंग हुआ होगा तो एक जगह सब्सिडेंस होता है है ना फिर वो लावा जो है वो जो जितना भी पार्ट जो अंदर गया होता है वो मेल्ट होकर फिर ऊपर आता है तो फिर ऊपर आता है एज अ वॉल तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ओशियन फ्लोर पर वॉल बनते रहते हैं और जब यही वॉल यू नो वाटर की सरफेस के ऊपर आ जाता है इस टाइप से तो उसको हम बोल देते हैं क्या वॉलकैनिक आइलैंड ठीक है अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप सी फ्लोर स्प्रेडिंग का वीडियो देखिए जाके और वहाँ पे आपको फिर समझ में आएगा कि ये जो वॉलकैनोज़ हैं जो ओशन फ्लोर पे बनते हैं ये एक्चुअली में बनते कैसे हैं तो ये जो ओशन क्रस्ट होता है ये जब सबसाइड नीचे करता है है ना तो ये मेल्ट हो जाता है अब ये जो लावा मेल्ट ये जो मेल्ट होता है और जो लावा से जनरेट होता है वो फिर ऊपर आता है एज आ वॉलकैनो और वो वॉलकैनो बनाता है ठीक है तो ऐसे जब ये वॉलकैनो सरफेस के ऊपर जब प्रोजेक्ट हो जाता है तो उसको हम बोल देते हैं वॉलकैनिक आइलैंड ठीक है ये है वॉलकैनिक आइलैंड और दूसरे होते हैं कोरल आइलैंड्स कोरल्स कोरल्स क्या होते हैं कोरल तो रीफ्स तो बहुत सुना होगा ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया का आपने सुना होगा जो ऑस्ट्रेलिया ऐसा है तो ऑस्ट्रेलिया के न, आपके ईस्टर्न लाइन पर है ईस्टर्न कोस्ट पर है ग्रेट बैरियर रीफ है ना तो वो जो हैं वो सारे कोरल आइलैंड्स हैं मतलब आइलैंड होता है ऐसा एक प्रोजेक्टेड पार्ट होता है और उसके यहाँ पे कोरल रीफ्स होते हैं इधर साइड में अभी हम देखेंगे कैसे बनता है ये बस अभी इतना ध्यान रखो कि कोरल रीफ्स होते हैं तो ये जो आइलैंड बन जाता है इसको हम बोल देते हैं कोरल आइलैंड ठीक है वेरी मच लोअर एंड इमर्ज द दर्विस थोड़ा सा ऊपर रहता है टिप सा ऊपर रहता है ठीक है एग्जाम्पल मार्शल आइलैंड गिलबर्ड एंड एलिस आइलैंड तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना रहने देते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें अपने दोस्तों को रिकमेंड करें अपनी क्वेरीज़ आप हमको क्वेरीज एट द रेट वे डॉट कॉम पर भेज सकते हैं जहाँ पर हम आपका रिप्लाई इंस्टेंटली करेंगे और पढ़ते रहिए हार्डवर्क करते रहिए है ना अगले लेक्चर में मिलते हैं थैंक यू बाय बाय टेक केयर